अब लोगों को जल्द ही सोलर ऊर्जा से तैयार ऑटो में सफर करने का मौका मिलेगा। ऊना जिला के बसोली गांव के युवक विपिन धीमान ने अपने 2 साल की कड़ी मेहनत के दम पर सोलर ऊर्जा से चलने वाला ऑटो तैयार कर लिया है। प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए विपिन धीमान को ITI मंडी से करीब 1.5 लाख रुपए की राशि मिली है। प्रदेश सरकार की ओर से हर माह 25,000 रुपए की राशि मिलती है। अब विपिन धीमान ने ऊना में ही सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाले ऑटो तैयार करने के लिए उद्योग लगाने का मन बनाया है, ताकि इस उद्योग के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। ऑटो में सेल्फ चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है, सोलर पैनल सिस्टम भी है। यदि किसी दिन धूप नहीं आए और यह ऑटो चार्ज ना हो तो इसके लिए एक्सटर्नल चार्जिंग प्वाइंट भी रखा गया है, जिससे इस ऑटो को करीब 2 घंटे में चार्ज किया जा सकता है, जिससे यह करीब 150 किलोमीटर तक का सफर आसानी से कर सकता है। ऑटो को पूरी तरह से तैयार करने में करीब 2 लाख से 2.5 लाख रुपए की राशि तक का अनुमान है। मेरा नाम विपिन धीमान। विपिन, ये जो आपने ऑटो बनाया है सोलर ऊर्जा वाला, कहाँ से ये सोच आई? इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं लगभग 2 साल से काम कर रहा हूँ, और इससे पहले हमारी अपनी एक शॉप है धीमान ऑटो स्पेयर पार्ट्स के नाम से। तो हम ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम 2001 से कर रहे हैं ऊना की मार्केट में, और बाय प्रोफेशनली मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। तो मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी 2 साल से। तो क्या विशेषता है इस ऑटो के? पूछा वो ऊपरों को जा रहे यार बाजा। ये ऑटो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑटो जो है यानी कि सेल्फ चार्जिंग सिस्टम पे बनाया गया है। तो इस ऑटो में यानी कि सोलर पैनल्स लगे हैं और बैटरीज वगैरह रखी गई है, और इसका कुछ टेक्निकली इसको इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है कि ये इसे चार्ज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये ऑटो 50 से लेके 80% तक खुद ही अपनी बैटरीज़ को चार्ज करने में सक्षम है। तो अगर धूप ना खिले तो फिर किस तरह से इसको? हाँ, अगर धूप ना निकले तो इसमें एक्सटर्नल चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है, तो इसको 2 घंटे में चार्ज किया जा सकता है, और ये आफ्टर 2 आवर्स चार्जिंग ये 120 से लेके 150 किलोमीटर तक अपना सफ़र तय कर सकता है। तो कितना खर्च इस पे जो है वो आया है? ये प्रोजेक्ट अभी अंडर रिसर्च है, और एट प्रेजेंट 1,50,000 तक इसके ऊपर खर्च आ चुका है, और कुछ और भी रिसर्च चली हुई है, और हो सकता है यानी कि 2 लाख 2,50,000 तक पहुँचे इसका जो मैक्सिमम टॉप मॉडल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे? सरकार से हमें हेल्प मिल रही है। एट प्रेजेंट मैं IIT मंडी में इंक्यूबेटेड हूँ, और जहाँ पे मेरे को रिसर्च के लिए इस प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए 1,50,000 की हेल्प मिली है, और हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को 25,000 पर मंथ सस्टेनेबल अलाउंस मिलता है। तो अभी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, और जल्दी ही हम इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने ऊना में लगाने जा रहे हैं, जिससे लोकल एरिया में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी अगर ये प्लांट हमारे ऊना में लगता है। और अपने ऊना में जैसे नॉर्मली देखा जाए तो डीजल ऑटो जो है उनकी जो परमिशंस वगैरह गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने बंद कर दी है, तो आने वाले टाइम में हमारे पास अच्छी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिकल ऑटो अगर अच्छे से तैयार करके ऊना की मार्केट में या फिर अपने जितने भी प्लेन एरियाज या फिर नॉर्मल थोड़े से हिली एरियाज भी है उनमें उतारा जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन होगी। एम्प्लॉयमेंट भी होगी और पोल्यूशन से फ्री भी है ये ऑटो, तो पोल्यूशन के ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी, की बचत भी होगी और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हुआ नहीं किया इसको सरकार की तरफ से भी मदद दी जाए, जिसमें ये आगे काम के लिए सक्सेसफुल सफलता प्राप्त करे। अमर जी, आज आपने इस सोलर ऊर्जा वाले ऑटो की सवारी की है जी, कैसा लगा और क्या विशेषता इसकी आप? पहली बार इसमें बैठे हम, बहुत बढ़िया, इसमें कोई आवाज़ नहीं थी, पोल्यूशन से भी इससे राहत मिल रही है काफ़ी, और सोलर पैनल इसमें देखा तो मुझे लग रहा है ये किफ़ायती भी काफ़ी होगा, इन फ्यूचर इसकी बहुत डिमांड बढ़ सकती है और आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत भी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट।